सबसे पहले तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी. मुझे पता है पंजाब पुलिस की एक ऐप भी है, वुमेन सेफ्टी ऐप, तो मेरे पास वो हर वक्त मोबाइल में इंस्टॉल रहती है, तो उसे अप्लाई करूंगी. अगर आपको कोई भी इशू हो किसी भी किस्म का, पुलिस की आपको हेल्प चाहिए हो, तो कौन सा नंबर है जो आप डायल करेंगे? 15 पुलिस. मुझे बताएं कि जिंदगी का गोल क्या है, पढ़ाई के अलावा क्या गोल है? यही खाना पीना, यशी, जिंदगी में एंजॉय करते रहना. दोनों बहनें हो? नहीं, फ्रेंड्स हैं. फ्रेंड्स हैं, बेस्टीज हैं. दोस्ती बढ़ जाए ना तो शक्लें मिलने लग जाती. स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा हैं, ये कहती भी हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो थोड़ा सा इम्तिहान ले लेते हैं. तो कितना पता है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, आप जानते हैं लाहौर में मौजूद है, इसके अलावा किन किन सिटीज में? लाहौर के अलावा? हाँ, लाहौर के अलावा. कॉन्फिडेंस है, बच्ची ने हाथ खड़ा किया, देख लेते हैं कि जिनको आता है कि नहीं आता. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी जिंदगी की क्या गोल है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? लाइबा. लाइबा. और आपका? अरीबा. अच्छा लाइबा, मुझे बताएं कि जिंदगी का गोल क्या है, पढ़ाई के अलावा क्या गोल है? यही खाना पीना, यशी, जिंदगी में एंजॉय करते रहना. खाना पीना तो बहुत जरूरी है, खाने के बगैर तो लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जब खाना पीना नहीं होगा बंदा क्या आगे करेगा? एनर्जी होती है ना फिर इंसान के अंदर. एनर्जी जरूरी होती है. अच्छा, मुझे लगता है कि क्लास का टाइम जब खत्म हो जाता है तो आप ज्यादातर कैंटीन में पाई जाती है. ऐसे ही है, कैंटीन वो तो अपनी फेवरेट जगह है. अच्छा, और आपका क्या गोल है? मेरा गोल ये है, जब कोकरिकुलर एक्टिविटीज एंड आई डू प्ले क्रिकेट, जब स्टडीज से हम फारिग हो जाते हैं. फिर आप तो दोनों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए. वो खाती रहती है, आप खेलती रहती है. वो खाती रहती है, मैं खेलती रहती हूँ. क्रिकेट खेलना ज्यादा अच्छा लगता है? या मेरा गोल भी क्रिकेट ही है. दोस्त को क्यों नहीं थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि अपने गोल को चेंज करें? बताए ना, रनिंग कर लगा दो. जिंदगी में नाज़रीन खाते पीते पे रहिए, कैंटीन में जाइए, लेकिन थोड़ी पढ़ाई भी जरूरी है. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा उमर, यूनिवर्सिटी की तालबा तो बहुत ज़हीन लग रही है, मुझे बातचीत हमारी चल रही है तो आइडिया हो रहा है कि एलसी की बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी ज़हीन है. ताहिरा, क्या लगता है ये दरख्त कितना पुराना होगा? ये मुझे कोई उम्र 100-200 साल पुराना तो लग रहा है. ताहिरा, आंसर तो ठीक है, लेकिन आपको इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमारा जो प्रोग्राम का सेगमेंट है, स्टूडेंट से हम जानेंगे कुछ जवाब और उसके मुकाबले में उन्हें मिलेंगे इनामात. बिल्कुल जी, अब कुछ सवालात पूछ रहे हैं झटपटे से, मज़े मज़े के, और दुरुस्त जवाब देने वाली स्टूडेंट को हम देंगे जी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से गिफ्ट हम पर. तो आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? आमना कैसर. आमना से क्या पूछा जाए? आमना से एक सिनेरियो पूछा जाए. आमना, लेट्स सपोज आप ट्रैवल कर रही हो, आप किसी जगह पे जा रही हो, रास्ते में आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ गया, फॉर गॉड बिडन, अल्लाह ना करे, तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, क्या करोगी? सबसे पहले तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी. और मुझे पता है पंजाब पुलिस की एक ऐप भी है, वुमेन सेफ्टी ऐप, तो मेरे पास वो हर वक्त मोबाइल में इंस्टॉल रहती है, तो उसे अप्लाई करूंगी. अच्छा, आपने ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है? जी, शुरू से इंस्टॉल है, जब से वो ऐप है ये इंस्टॉल है. वेरी गुड नाज़रीन, आंसर बिल्कुल ठीक है. बहुत अच्छा, इन्होंने जो हमारा एक सिनेरियो था, सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से दिया जाता है जी गिफ्ट हैम्पर. जी नहीं, गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा जी. ये ले जी, ये आपके लिए गिफ्ट. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जुनैन. अच्छा जुनैन, एक सवाल पूछूं? जी पूछें. पक्की बात है? जी. अगर जवाब आता हुआ तो सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से आपको दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर. ओके, तैयार हैं? जी. अच्छा मुझे बताओ कि इमरजेंसी सर्विस, अगर आपको कोई भी इशू हो किसी भी किस्म का, पुलिस की आपको हेल्प चाहिए हो, तो कौन सा नंबर है जो आप डायल करेंगे? 15 पुलिस. एग्जैक्टली 15. बहुत इजी सवाल था और बिना सोचे जी जवाब दे दिया. थोड़ा सा सोचा जरूर था. हाँ. अच्छा, इनको इनको ये भी बताते चलें कि कोई भी इमरजेंसी हो, आपको मेडिकल इमरजेंसी हो, आपको हरासमेंट का सामना हो, आपको कोई भी किस्म, आपको ये पूछना है कि ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, या आपको किसी भी किस्म की कोई भी इमरजेंसी सूरत है, इवन दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप 15 पर कॉल कर सकती हैं. और यही नहीं, 15 का जो नंबर है पूरे पंजाब से एक्सेसिबल है. पंजाब के हर ज़िले में, हर तरफ से, जो हर शहर से जो कॉल है, लाहौर में आती है, पंजाब सेफ सिटीज़ में आती है. ये पंजाब सेफ सिटीज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. क्या नाम है आपका? नूर. और आपका? जोहा. दोनों बहनें हो? नहीं, फ्रेंड्स हैं. फ्रेंड्स हैं, बेस्टीज हैं. दोस्ती बढ़ जाए ना तो शक्लें मिलने लग जाती. मुझे लग रहा है दोस्ती का रंग चढ़ गया पूरी तरीके से. अच्छा ताहिरा, इनसे कुछ पूछते हैं. हाँ. और अगर ये जवाब दे लेंगी तो ये गिफ्ट इनका हो जाएगा. तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं जी. अच्छा जी, एक ऐसी चीज है अगर उसको बोल दिया जाए तो वो टूट जाती है. बोल दिया जाए तो टूट जाती है. वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचो, आ जाएगा. झूठ. एक काइंड ऑफ अ झूठ. क्लॉक.
गिने रिवर्स में, झूठ बोलने से टूटेगा थोड़ी, बोलते हो तो टूट जाती है, बोलते हो तो टूट जाती है, बोलते हो तो टूट जाती है। सीक्रेट अगर हम बोलें तो सीक्रेट टूटता तो नहीं है, किया हो तो अगर हम उसको वो बात बता दें अपनी बेस्टी को तो नहीं, टूट जाता है। नहीं नहीं नहीं, फिर सोचें थोड़ा सा और, सोचो थोड़ा सा और, सोचो। टाइमर लगाते हैं इस तरह तो रात पड़ जाएगी, मुझे जवाब तो नहीं आएगी। खामोशी, बहुत अच्छा जी, ये आपका गिफ्ट, ये आपका गिफ्ट हुआ जी, ये सिर्फ सिटी की तरफ से आपको गिफ्ट हुआ। तायरा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ सवालात पूछते हैं, अगर कोई स्टूडेंट जवाब दे पाया तो ये गिफ्ट हैम्पर उसका होगा। बिल्कुल, तो पूछिए आप सवाल। स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा हैं, ये कहती भी हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं तो थोड़ा सा इम्तिहान ले लेते हैं, इतने तो स्टूडेंट्स हैं, किसी को किसी ना किसी को आंसर आता होगा। हाँ चले जी, देखते हैं। अच्छा, आप सबको मैं एक सवाल पूछूंगी, जिसको आंसर आता होगा उसको उमर के हाथ में जो गिफ्ट है वो दिया जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, आप सब ध्यान से सुन रहे हैं कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, आप जानते हैं लाहौर में मौजूद है, इसके अलावा किन किन सिटीज में है? यूं करते हैं कि जिसको आते हैं आंसर वो अपना हैंड रेज करें, हम उससे पूछ लेते हैं। आपको आता है? पक्की बात है, इधर आ जाओ, हम चेक कर लेते हैं। लाहौर के अलावा, लाहौर के अलावा, हाँ लाहौर के अलावा। कॉन्फिडेंस है, बच्ची ने हाथ खड़ा किया, देख लेते हैं कि जिनको आता है कि नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? किरण इजाज। अच्छा किरण, आपने हाथ खड़ा किया, कॉन्फिडेंट है कि आपको सही जवाब आता है? जी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि सेफ सिटी कहाँ कहाँ मौजूद है लाहौर के अलावा? गुजरांवाला, क्योंकि मुझे इससे पता है क्योंकि वहाँ पर मेरी फूफा रहती है। अच्छा, और गुजरांवाला के अलावा? गुजरांवाला के अलावा रावलपिंडी। और रावलपिंडी का कैसे पता है? क्योंकि वहाँ पे मेरे मामू रहते हैं। मतलब रिलेटिव जहाँ जहाँ रहते हैं ना, इनके पूरे पंजाब में रहें तो तभी इन्हें पता लगेगा। तभी आप लोगों के कोई रिलेटिव ही रहते हैं पंजाब में कहीं पे? लेकिन चले, लेकिन चले पता चले, आपको ये बताते चलें कि पंजाब के 18 शहरों में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट बन रहा है और इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब इन्होंने दो का बताया, कुछ तो इनको मेरे ख्याल से बाकियों से तो बेहतर है, बेहतर बनता है। तारा, आप इन्हें गिफ्ट दीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा उमर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीएचडी स्कॉलर, बहुत पढ़ाकू होंगी, क्वेश्चन बड़ा सोच समझ के पूछेगा। नाम बताइएगा। मिर्ज़ा कुरैशी। अच्छा मिर्ज़ा, मुझे बताएं कि पीएचडी का ख्याल कैसे आया? कहा जाता है पीएचडी थोड़ा सा मुश्किल काम है और कम ही लोग पीएचडी की तरफ जाते हैं कि पीएचडी करते करते वो कहा जाता है कि बुढ़े हो जाते हैं आप, तो किस सब्जेक्ट में पीएचडी करें ये भी हमारे ऑडियंस को बताइएगा। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि क्या समझती है, स्कोप क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये टाइम हो गया है पुराना कि पीएचडी कम लोग करते हैं, अब तो मुझे लगता है कि ऐसे कम लोग हैं जो पीएचडी नहीं करते हैं। क्या आपकी अपनी पसंद की फील्ड थी या फिर सिर्फ मेरिट बन गया? बिल्कुल बिल्कुल पसंद की फील्ड थी, और जब मैंने बीएस में एडमिशन लिया तब तो ये बहुत नई फील्ड थी और हर कोई ये चाहता था कि हम पीएचडी में एडमिशन लें। मैथ्स कम्युनिकेशन लोगों के लिए बहुत नया था, खैर अब तो हर कोई जानता है कि मैथ्स मीडिया क्या है। स्टूडेंट्स किस गलती को अवॉइड करें? आपने सारे जर्नी में कुछ देखा होगा, ये चीज ना की जाती तो यू कुड हैव बीन सो मच बेटर। डेफिनेटली इट वुड बी टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना सीखें, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल एग्जामिनेशन, अगर इसमें वो टाइम मैनेज कर लेंगे ना तो आई गेस पीएचडी क्या पोस्ट डॉक भी किसी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा उमर, मैं देख रही थी कि अभी कुछ बच्चे एग्जाम से कि बाहर निकल रहे हैं, कुछ तो बच्चियां बड़ी एक्साइटेड हैं, कुछ थोड़ी सी अफसरदा भी नजर आ रही थी। चलो आओ चलते हैं, जानते हैं स्टूडेंट्स से कि उनके पेपर कैसे हो रहे हैं और वो अपने गोल्स को लेके कितने कमिटेड हैं। चलो आओ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मलाइका रियास। अच्छा मलाइका, मुझे बताओ कि आपकी लाइफ में आपका आइडियल कौन है? जैसे हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई हीरो होता है, तो आपका हीरो कौन है? मेरी मामा मेरी हीरो है और मेरी आइडियल भी। मलाइका, नॉर्मली तो ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें उनके पे उनके जो फादर होते हैं उनसे बड़ी अटैचमेंट होती है, उनको अपना हीरो मानती हैं वो, आप अपनी वालदा को क्यों अपना हीरो मानती हैं? नहीं, पापा भी तो होते हैं, लेकिन मेरी मदर को मैंने देखा बहुत स्ट्रगल करते हैं हमारे लिए और बहुत स्टैंडली और बहुत सपोर्ट किया है। बेसिकली अगर मैं आज मैथ्स कॉम कर रही हूँ तो अपनी मदर की सपोर्ट की वजह से, तो मेरी वही आइडियल है और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला सबकी मदर्स को जो है वो ये लंबी उम्र दे, आमीन। अच्छा मलाइका, मुझे बताओ कि क्या क्वालिटीज़ आप समझते हो आपकी मदर की आपके अंदर हैं, या आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए? क्वालिटीज़ मेरा ख्याल है कि थोड़ी पेशेंस, मुझे अपनी मम्मा का सब्र बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे में कोई उनकी क्वालिटी ज़्यादा बिल्ट हो तो वो पेशेंस ही होगा। हमारा पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। मलाइका से ये पूछना बहुत ज़रूरी है, मलाइका अपनी मामा को क्या सरप्राइज़ देंगी अगर कुछ देना चाहेंगी तो? मामा को बड़ा सरप्राइज, गाड़ी। ओहो, गाड़ी या फिर घर अच्छा सा। हम गुड लक कहते हैं मलाइका को कि मलाइका अपनी लाइफ में आगे स्टैंड करें, अपने करियर में आगे ग्रो करें। अपनी वालदा के लिए इतनी वो पेन लेती हैं और उनको बहुत अच्छा लगा जी देख के, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मलाइका, वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम अब्दुल मजीद। अच्छा मरियम, मुझे बताओ कि क्लास में आपकी टीचर कौन सी फेवरेट है? करंटली माई फेवरेट टीचर मैम निजा एंड सर जैन। और कौन सी ऐसी उनकी बातें हैं जो आप सोचती हो कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अपने साथ रखनी है, जोड़ के रखनी है और उनको यूज़ करना है? मैम निजा की एक बात है कि वो कहती है कि टीचर की इज्जत करना कभी नहीं भूलना। ये बात तो पहले भी फॉलो करते हैं हम, मोस्टली मैं तो बहुत फॉलो करती हूँ कि टीचर की इज्जत करना नहीं भूलना। और सर जैन की रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, के पंक्चुअलिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो आप पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे ले करूँगी जी। अच्छा मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी में सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है? कैफेटेरिया। मेरे ख्याल है सारे बच्चों की फेवरेट प्लेस कैफेटेरिया होती है। जब मैं भी यूनिवर्सिटी में थी तो मेरी भी कैफेटेरिया फेवरेट होती थी क्लास के बाद। क्लास तो ज़रूरी है ना, तो कैफे में सबसे मज़े की चीज़ कौन सी मिलती है? जो हमारा ओल्ड कैफेटेरिया है वहाँ की मुझे कोल्ड कॉफ़ी और बिरयानी अच्छी लगती है, और जो न्यू कैफेटेरिया है वहाँ के चीज़ समोसे। मुझे खिलाओगी? जी बिल्कुल। आप देखिए प्रोग्राम, मैं तो जा रही हूँ मरियम के साथ समोसे खाने। अस्सलाम वालेकुम मन फाइव। एक मशवरा तो दें, एसी लेना चाह रहा हूँ, कौन से ब्रांड का लूँ? अस्सलाम वालेकुम मन फाइव, मुझे भूख लग रही है, जरा कैमरा चेक करके बताएं बेकरी खुली है। अस्सलाम वालेकुम मन फाइव जी, मैं घर जा रहा था तो रास्ते से एक बंदा मेरे सामने से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम मन फाइव, आप परेशान नहीं हो, मैं अभी भिजवा रही हूँ, अभी रेस्क्यू आपके पास आ जाती है, आपको कॉल करेगी, अपना नंबर ऑन रखिएगा। वन फाइव पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हजार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतलका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर समीरा बतूल। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम अस्सलाम मैम, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम मुझे बताइएगा कि तालीम, कहा जाता है कि सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन अच्छी तालीम ख़वातीन की ज़रूरी कितनी है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देखती हैं कि बच्चियों की तालीम कितनी ज़रूरी है? देखिए जी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी एक ख़वातीन का इदारा है जहाँ पर हमारा बुनियादी मकसद ख़वातीन की बेहतरीन तालीम व तरबियत करना है। और ख़वातीन की तालीम इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक बेटी को बेहतरीन तालीम के मौके दे रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो ट्रेन करें। तो इसलिए ख़वातीन जो है उनका तालीम याफ्ता होना, उनका एम्पावर्ड होना, उनका मौशे में उतना ही अहम किरदार अदा करना जितना कि मर्द किरदार अदा कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम अपने मौशे की बेहतरीन तरक्की के लिए ख़वातीन के लिए हमें मौके ढूंढने होंगे। अच्छा मैम, दीगर यूनिवर्सिटी के मुकाबले में जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो किन खूबियों की हामिल हैं? लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है ये सिर्फ तालीमी मौके नहीं फराहम करता बल्कि यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ऐसे डिसिप्लिनस भी मौजूद हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग भी की जाती है और स्टूडेंट काउंसलिंग की जाती है, उनको करियर ओरिएंटेशन दी जाती है और उनको दुनिया और दुनिया के जो दूसरे मौके हैं उन तक अप्रोच करने के लिए भी मौके हम फराहम करते हैं। उसके कई तरीक़ेकार हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फिर इम्प्लीमेंट करती है डे टू डे। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आप इंस्टीट्यूट की बात हुई तो क्या समझती हैं कि एक अदारा, क्या उसमें ख़ास बात हो कि वो मिसाली अदारा कहलाए, क्या उसमें स्पेशल चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इंतज़ामिया बहुत किरदार अदा करती है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जितनी प्रो स्टूडेंट फ्रेंडली होगी और स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ और ऐसी पॉलिसीज़ जो डे टू डे हमारी ख़वातीन को लेटेस्ट मौके जहाँ पे हम देते हैं और लेटेस्ट डिमांड्स जो हमारी आती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम पॉलिसीज़ डेवलप करें और इक्विप करें अपने स्टूडेंट्स को कि वो आउटसाइड इन द वर्ल्ड दे कैन परफॉर्म वेरी वेल। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अहम है। इसके अलावा आपकी जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके असातिज़ा जितने हाई क्वालिफाइड, वेल ट्रेन, वेल इक्विप्ड होंगे उतना ज़्यादा आप
बेहतरीन तालीम और तरबियत जो है वो फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि आपकी जो इंतज़ामिया के साथ साथ जो आपका सपोर्ट स्टाफ है, आपके कवायद और जवाबित यूनिवर्सिटी के हैं, वो बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा एंड जो है वो हमारी अपनी तालबात हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस ऐसी होती है, उनके पेरेंट्स जिन घरों से वो आ रहे होते हैं वो हमारी तालीम और तरबियत का एक दूसरा हिस्सा हैं, जहाँ पे हम अपने इदारे में सहूलियात फराहम करके उनको एक ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसी तरह से उनकी जो ग्रूमिंग है उनके पेरेंट्स भी करते हैं, तो इट्स अ टू वे, एजुकेशन इज अ टू वे पॉलिसी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मैम, ये लाजमी जानना ज़रूरी है कि एक आम तासुर पाया जाता है कि ख्वातीन जितना मर्जी पढ़ लें, डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, करनी घरदारी है, किचन ही संभाल लें। आपका जो डिपार्टमेंट है स्पेसिफिकली, जिस हम बात कर रहे हैं कि मीडिया मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, क्या फिगर्स हैं आपके पास कि जो यहाँ की ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं मीडिया में कहाँ कहाँ सर्व कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि घरदारी के कॉन्सेप्ट को भी समझने की बहुत ज़रूरत है। हम बहुत कम तनाजुर में, छोटे तनाजुर में इसको समझ पाते हैं। घरदारी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि खातून घर से बाहर जाके काम ना करे या मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा ना करें, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। हाँ, घरदारी जिम्मेदारी है मर्द की भी और औरत की भी, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों मिलके घर चलाते हैं। इसी तरह से एक मुआशरा भी मिलके चलता है, मर्द गाड़ी के दो पहिए, एग्जैक्टली ये दोनों पहियों पे है, तो घर भी मर्द और औरत दोनों से चलेगा और मुआशरा भी मर्द और औरत दोनों से चलेगा। थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा, बताइएगा हमारे ऑडियंस को भी कि हर साल क्या रेशो चल रहा है ये जो मास कम्युनिकेशंस की तरफ, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, हर बंदा ही चाह रहा है कि वो यूट्यूब चैनल बनाए, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करे, तो व्हाट्स द रेशियो, क्या नंबर क्या चल रहा है आपके पास तो इनटेक स्टूडेंट्स? मैं यहाँ ऑफ एयर हमारी बात हुई थी तो मैम बता रही थी कि हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारी इनकी इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर बच्चियाँ हैं जो कि अर्न भी कर रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, मैं अब आपके इस सवाल की तरफ आती हूँ। हमारे पास स्टूडेंट इनटेक माशाल्लाह हमारे डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट हमारे पास 200 स्टूडेंट्स जो है ना वो एडमिशन ले रहे होते हैं एट ग्रेजुएट लेवल, एंड वी हैव 30-40 स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फॉर एमएस लेवल और पीएचडी भी इसमें शामिल है। हम तीन प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं तो हमारे तीनों प्रोग्राम में ऑलमोस्ट 250 प्लस इनटेक हमारा जो है वो आ रहा होता है एनुअली। और जो हमारे ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं उसमें ऑलमोस्ट हमारी, अगर मैं रफली आपको बताऊं तो मोर देन 80% स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग आउटसाइड इन द फील्ड्स। और उसमें अगर मास कॉम के फील्ड्स को आप देखें तो ये भी बहुत वाइड है। मास कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट लिंक्ड विद वन डिसिप्लिन, हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन मौजूद हैं, टीवी, रेडियो, पीआर, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, यस, डिजिटल मीडिया, अब तो हमारे पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव सम एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। हमारे बच्चे जो हैं वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल, वो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अर्न भी कर रहे हैं। तो ये सारी स्किल्स को ट्रेन करने में मुझे ये लगता है कि हमारी इंतज़ामिया यानी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पॉलिसीज़ वो बहुत प्रो फ्रेंडली, मतलब प्रो स्टूडेंट हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगी कि हमारा करिकुलम इन तमाम नीड्स और डिमांड्स को पूरा करता है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। एग्जैक्टली, हर 3 साल के बाद हम अपना करिकुलम चेंज करते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंगली, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे अब तो आपको पता है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का दौर है, वी नीड टू मेक द वेमेन एज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल, तो हम बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं जो मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे थिएटर, फिल्म स्टडीज़, ग्राफिक, एडिटिंग, इन तमाम डिसिप्लिन के कोर्सेज भी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ये तमाम डिसिप्लिन जो है हमारे लिंक कर रहे होते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ कैमरा पे बल्कि बैक साइड एट द कैमरा, यू नो, दे आर वर्किंग एज प्रोड्यूसर्स, दे आर वर्किंग एज डायरेक्टर्स, और वो स्क्रिप्ट राइटिंग में भी इन्वॉल्व हैं, रिसर्च टीम्स का हिस्सा हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स हमारे एलुमनाई मीडिया में और एकेडेमिया दोनों जगह फ्लरिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम आपके कीमती वक्त का। जैसा कि मैम ने बताया कि ख्वातीन चूँकि मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं और मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में ही ग्रो कर रही हैं, सिर्फ ऑन ईयर नहीं, ऑफ ईयर भी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे हमारी ख्वातीन काम कर रही हैं, तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है इसका। बिल्कुल, हम इसको प्रोग्राम को आखिर लेके चलते हैं, कंक्लूड करते हैं जी कि आपको हमारा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का आज का ये टूर कैसा लगा, इस बारे आप अपनी आरा का जो इजहार है वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस, स्पेशली हमारे फेसबुक हैंडल पंजाब सेफ सिटीज़ और हमारे ट्विटर हैंडल PSCS सेफ सिटीज पे कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।